हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल होम ब्यूटी एंड क्राफ्ट टिप्स। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं कुछ पुराने बेकार कपड़ों की मदद से बहुत ही यूज़फुल चीज़। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने देखिए एक पीस लिया हुआ है, यह शैनिल का मैंने कपड़ा लिया हुआ है, मोटा फैब्रिक है। तो आप इस तरीके का कोई भी फैब्रिक अगर हो वेस्ट तो आप ले सकते हैं, या तो फिर आप कोई भी कॉटन कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इसकी स्ट्रिप कट करनी है, क्योंकि ये थोड़ा सा शाइनिंग वाला कपड़ा है इसलिए मैंने इसका यूज़ किया है। स्ट्रिप कट करने के लिए हमें यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाना है, और निशान लगाने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से मैंने 3 इंच पे निशान लगाया है और इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से स्ट्रिप में कट कर लेंगे लंबी, और इसी तरीके की और भी हम स्ट्रिप को 3 इंच की कट कर लेंगे। तो मैं 3 इंच इसकी चौड़ाई रखनी है और लगभग 12 इंच इसकी लंबाई रखनी है। तो इसी में का हम और भी पीसेस कट करेंगे स्ट्रिप, लेकिन हम दूसरे कपड़े की भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वेस्ट पजामे का बचा हुआ कपड़ा लिया है तो इसका हम यूज़ करेंगे, और इसमें से भी हम स्ट्रिप कट कर लेंगे। तो इसमें से मैंने कंट्रास्ट लगाया है इसका, तो इसमें से भी मैंने स्ट्रिप्स को कट कर लिया है। और इसके बाद हम इन दोनों को आपस में स्टिच कर देंगे। देखिए यहाँ से हम एक स्टिचिंग लगा देंगे और इसके बाद इसको पलट देंगे। तो ऊपर से भी आप चाहे तो सिलाई लगा सकते हैं इसको सेट करने के लिए। तो ये मैंने लंबी एक स्ट्रिप बना ली है, तो इसकी अब हम लंबाई कट कर लेंगे और 12 ही इंच रखेंगे। और इसी तरीके से हम सारी स्ट्रिप्स को जोड़ते जाएंगे। तो देखिए यहाँ से मैंने 4 पीसेस जोड़ दिए हैं और इसमें हम और भी पीसेस ऐड करेंगे, और उसके बाद हम 12 इंच में इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए मैंने इस तरीके से इसको कट कर लिया है, और यहाँ से अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद मैं आपको यहाँ पे इसकी मेज़रमेंट दिखा देती हूँ कितनी है। देखिए ये लगभग 12 इंच है, और मैंने सारी पीसेस को आपस में ज्वाइन कर दिया है। लास्ट में हमें एक अपोजिट साइड कलर रखना है। तो देखिए जैसे इधर वाइट है तो इधर ग्रीन होना चाहिए, और फिर इन दोनों को भी हम उल्टा करके स्टिच कर देंगे। तो चारों तरफ से ये अच्छे से ज्वाइंट हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम एक सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने सिलाई कर दी है, और इसके बाद हम यहाँ पे इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम यहाँ पे सुई धागे की मदद से इसको सेट करना है। यहाँ पे मैंने सुई धागा लिया हुआ है, और इसके बाद हम यहाँ से इसमें बड़े बड़े टाँके लगा देंगे। तो इसको हम उल्टा करेंगे एक। तो हम उल्टा करके यहाँ पे एक स्टिचिंग बड़ी लगा देंगे इसमें। तो देखिए यहाँ से हम यहाँ पे इसकी सिलाई लगा देंगे। तो इसमें आपको बड़े बड़े टाँके लगाने हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसकी इस तरीके से सुई धागे से हमें पूरा इसको स्टिच कर देना है पूरा राउंड में।
पूरा यहाँ से लास्ट तक ले आना है हमें। तो देखिए मैंने स्टिचिंग इसकी कर दी है और इसके बाद हम यहाँ पे इसको खींच देंगे। तो यहाँ से जब हम इसको खींचेंगे तो ये इस तरीके से इकट्ठा हो जाएगा और फिर हम इसमें इस स्टिचिंग कर देंगे। तो यहाँ से हम और थोड़ा सा इसको सेट करके स्टिच कर देंगे। तो देखिए यहाँ से हम इसमें थोड़ी सी और स्टिचिंग लगा देंगे जिससे कि ये अच्छे से फिक्स हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम अच्छे से इसको स्टिचिंग लगा दिए हैं और इसके बाद हम थोड़ा सा इसको राउंड में लपेट देंगे 2-3 राउंड। और फिर उसके बाद हम यहाँ से इसमें यहाँ से कुछ सिलाई लगा देंगे। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से इसकी सिलाई कर दी है। ये देखिए ये राउंड टाइप में हो गया है और अब हम यहाँ से इसको फिल करेंगे। तो फिल करने के लिए मैंने यहाँ पे एक राउंड कुशन लिया हुआ है सर्कल शेप का। आप इसे बेकार कपड़े की मदद से बना सकते हैं या फिर आप रेडीमेड भी अगर आपके पास है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और फिर यहाँ से हम इसमें इन कर देंगे इसको और फिर से आप चाहे तो यहाँ पे डोरी लगा दें या तो फिर आप फिर से सुई धागे की मदद से इसको स्टिच कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसकी स्टिचिंग कर दी है और इसके बाद हम यहाँ से इसको सुई धागे को अच्छे से टाइटली लगा देंगे और फिर इसके बाद हम यहाँ से इसको निकाल देंगे। और इसको निकालने के बाद हम यहाँ पे एक कट पीस लेंगे। यहाँ पे मैंने ग्रीन वाला पीस लिया हुआ है और इसको हम थोड़ा सा फिल करेंगे। तो कोई भी आप कॉटन से या तो फिर कपड़े से ही इसको फिल कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको फिल करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे एक इसका बटन बनाएंगे। देखिए यहाँ से हम इसको इस तरीके से इसका बटन बना लेंगे और सुई धागे से हम इसकी स्टिचिंग कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम सुई धागे से इसको अच्छे से हम स्टिच कर देंगे। और ये पूरा हमारा सेट हो जाएगा। फिर हम इसमें इस तरीके से देखिए मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे से कट कर दिया है और इसको हम इसके अंदर थोड़ा सा रख कर स्टिचिंग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से स्टिच कर दिया है। तो ये बनकर मेरा राउंड कुशन बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम टाइम में बनकर रेडी हो गया बेकार कपड़े की मदद से। आप चाहे तो और भी अच्छे पीसेस जिसमें और भी मल्टी कलर्स लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 कलर के बनाए हैं। तो इसमें इस तरीके से पट्टियाँ लगाकर आप मल्टी कलर में भी इसको बना सकते हैं जैसे कि मैंने थंबनेल में दिखाया है। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा ये वाला वीडियो। आई होप कि आपको ये मेथड अच्छा लगा होगा। बहुत ही ईजी, बहुत ही कम टाइम में ये बन जाता है और बहुत ही प्यारा लगता है। तो गाइज़ अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स और 1 लाइक ज़रूर करिएगा। अगर पसंद आए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपके पास भी कोई आइडिया है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर मुझे वो अच्छा लगा तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।